नाम पर सबसे बड़ा अधर्म। इतिहास में नारी के सबसे बड़े अपमान की गाथा, पूरे संसार की नारी के आत्मसम्मान को ललकार रहे हैं दुशासन और दुर्योधन। भरी सभा में पांडवों के सामने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा है दुशासन और द्रौपदी हाथ जोड़कर अपने माधव को याद कर रही है। प्रैक्टिकली महाभारत के सारे एक्टर्स इस समय ऑन सेट मौजूद हैं इस सीक्वेंस को शूट करते हुए, पर आज जिस दिन आप आए हैं तो एग्जैक्टली वो चीरहरण का जो हाई पॉइंट है कि जिस दिन एक्चुअली चीरहरण हुआ है। स्टार प्लस के शो महाभारत में आर्यव्रत के इतिहास का सबसे काला पन्ना लिखने की तैयारी चल रही है। पिछले 17 दिनों से यहाँ पर दरबार में चौसर का सीन और पिछले 3 दिनों से चीरहरण का सीन शूट हो रहा है। चौसर के खेल में पांडव हार चुके हैं और अब पांडव अपने राज्य के साथ साथ अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार चुके हैं और अब दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को लाने का आदेश भी जारी कर दिया है। सुशासन हरी सभा में द्रौपदी को लेकर आया और अपने भ्राता दुर्योधन के आदेश पर उसका चीरहरण करने का प्रयास कर रहा है। पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, कर्ण सब बस मूक दर्शक बनकर ये तमाशा देख रहे हैं और द्रौपदी असहाय अपने सखा को मदद के लिए बुला रही है। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, मेरी काफी हालत खराब हो गई है, साड़ी खेसते खेसते आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे कितना पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, बहुत मेहनत का काम है साड़ी खेचना भी। ये बेचारा क्या करेगा, इसको मैंने कहा द्रौपदी साड़ी खींचे जाए तो वही कर रहा है। ये अपना मतलब मेरे ख्याल से राम लक्ष्मण में कह रहा हूँ जो होते ना भाई जोड़ी जो सबसे, तो मैं अपना ऐसे लक्ष्मण मानता हूँ लक्ष्मण। दुर्योधन और दुशासन का ये दुस्साहस इतिहास में सबसे बड़े अधर्म का कारण बना, लेकिन द्रौपदी के सखा कृष्ण के रहते कोई भला उसके सम्मान को कैसे छीन सकता है। ऑलमोस्ट लाइक हमारे कल्चर के लिए थोड़ा सा हिस्टोरिक आइकॉनिक मोमेंट सब जानते हैं, थोड़ा सा शर्मनाक भी है तो उसको सहजता से करना कि वो फूहड़ नहीं लगे, अजीब नहीं लगे। और ये मेकर्स का बहुत एक स्ट्रॉन्ग वो है कि द्रौपदी की एलिमेंट ऑफ डिग्निटी हमेशा इंटैक्ट रहनी चाहिए, क्योंकि मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि चीरहरण वॉज एक्चुअली एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, चीरहरण हुआ नहीं था, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, चीरहरण रुक गया और द्रौपदी अपनी डिग्निटी, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस के साथ वहां से निकलती है। माधव ने तो द्रौपदी के सम्मान को बचा लिया, लेकिन इस चीरहरण के बाद अब द्रौपदी की प्रतिज्ञा और उसके बाद महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध देखने के लिए आप हो जाइए तैयार।